हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल इसिला अश्वमेध विद्यालय किला पाड़ी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड लाइक शॉक स्वेलोइंग। देन वी आर डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? यस, 7। हाउ मेनी? 7। फर्स्ट वन इज बकल कैविटी और माउथ। देन सेकंड वन इज फूड पाइप और इसोफेगस। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एंड सम सीक्रेट ग्लैंड्स आर helps in digestion like salivary glands, liver and pancreas. So in the last lecture we have discussed about stomach, esophagus and stomach. Stomach mein digestion kaise hota hai, usme kaun kaun se juices release hote hai and kis tarah se digestion hota hai wo humne study kiya. Now today we have discussed about the small intestine. Fourth part of digestion system, the small intestine. Small intestine is higher coiled and about 7.5 meter long. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड मीन्स आप सबने देखा ही होगा लाइक ये एक वायर है, ओके? तो ये इस तरह से पूरा कॉइल है, ओके? तो इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी हाईली कॉइल्ड मीन्स हाईली कॉइल्ड इस तरह से अंदर से अंदर, ओके? हाईली कॉइल्ड है एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी? अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड about 7.5 meters long, okay? तो अब हम देखते हैं कि small intestine हमारी body में कहाँ पे होता है। तो हम इसके लिए figure draw करेंगे like this। Suppose ये हमारा body है, ओके? इस तरह से हमारा बॉडी है, ओके? नाउ ये हमारा माउथ है, यहाँ पे टी एंड बकल कैविटी, देन इसोफेगस। इसोफेगस कहाँ तक होता है? चेस्ट से होके नीचे तक मींस स्टमक तक, ओके? देन स्टमक क्या है? स्टमक है, ओके? एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका ऊपर का एंड जो है वो स्टमक के साथ अटैच होता है। तो यहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा इस तरह से। वो कैसा होता है? लाइक कॉइल, कॉइल की तरह होता है। तो ये इस तरह से कॉइल की तरह, ओके? सो ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो यहां से हमारा
लार्ज इंटेस्टाइन होगा इस तरह से, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है?
Bijou's is stored in gallbladder. Okay, gallbladder. कहाँ पे स्टोर होता है? गॉलब्लैडर में. ओके, एंड क्या करता है? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स. क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स. ओके, फैट्स को डाइजेस्ट किसे डाइजेस्ट करता है? फैट को. फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, तो यहाँ पे लीवर आया होता है, किस टाइप का होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, इस टाइप का लीवर आया होता है. उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? बाइजूस एंड गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है. नाउ सेकेंड ग्लैंड जो है वो है पैनक्रियास. कौन सी है? पैनक्रियास. पैनक्रियास जो है वो, उसका कलर कौन सा होता है? क्रीम कलर. पैनक्रियास इज क्रीम कलर ग्लैंड. ओके, क्रीम कलर ग्लैंड वो पैनक्रियाटिक जूस रिड्यूस करती है. ओके, सो सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस. ओके, कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है. तो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. वो जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, वो पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है. ओके, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड proteins. Okay, and वो क्या करता है? जो digestion करता है fat, carbohydrate and protein का, और उसे simpler form में convert करता है. वो क्या करता है? pancreas pancreatic juice release करता है, और वो juice जो कि fat, carbohydrates and protein का डाइजेशन करके उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ओके, सो प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. ओके, तो सिंपलर फॉर्म्स में उसे क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं. लाइक वो जो फैट्स का डाइजेशन करता है, देन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और प्रोटीन का करता है. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसे वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. ओके, किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर. इसमें कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर. ओके, देन किसे कन्वर्ट करता है? फैट को. तो फैट को वो किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइसरॉल. ओके, तो फैट को किसमें कन्वर्ट करता है? फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. सो फैट्स इंटू फैटी एसिड
एमिनो एसिड। ओके सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हाईली कॉइल्ड है और अबाउट 7.5 इंचेस का होता है, वो सिक्रेशन जूस फ्रॉम टू गैंड से सिक्रेशन जूस रिसीव करता है। फर्स्ट वन इज लीवर एंड सेकेंड वन इज पैनक्रियास। लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। देन सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीवर में से जो जूस प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं। ओके सो बाइल, और वर्ड डिफाइन के लिए बोला जा सकता है बाइल। बाइल क्या है तो कि सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लीवर। ओके देन बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, इसमें स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। देन इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट, इसका फैट का डाइजेशन करता है, इसका फैट का डाइजेशन करता है। देन सेकेंड ग्लैंड इज पैनक्रियास, पैनक्रियास क्रीम कलर का होता है। देन सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, इसका किसे रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को डाइजेस्ट करके उनको चेंज इन द सिंपली फॉर्म, सिंपली फॉर्म में चेंजेस करते हैं, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, देन फैट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू।